अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सागे वाली प्याज का भुर्ता बनाने की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो बॉईल किए हुए आलू। तो इसे इस तरह से काट कर हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम टमाटर, तो दो टमाटर थे जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था वो इसमें डाल देंगे। और डालेंगे जो प्याज थी सागे वाली उसे, तो इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया ऐसे डाल देंगे। फिर इसके सागे भी इसमें डाल देंगे, तो इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। फिर इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक। अब नमक जो है वो आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन मैंने इस टाइम पे आधा चम्मच नमक डाला है, अगर ज़रूरत लगती है तो बाद में डाल देंगे। और एक चम्मच डालेंगे मिर्चों का पाउडर, और मिर्चों का पाउडर जो है जितना तीखा पसंद करती है उतना डाल दीजिएगा। एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और डालेंगे सब्ज़ी मसाला। तो सब्ज़ी मसाला जो है मैंने इसमें ज़्यादा डाला है, दो बड़े चम्मच मैंने इसमें लिया था सब्ज़ी मसाला। फिर इसे डालकर इसे मिक्स करेंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए करिएगा। इससे जो इसका टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये और भी ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक के नहीं करा है। बस कढ़ाई में ले लेंगे तेल, दो बड़े चम्मच मैंने तेल लिया, उसमें डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा और दो सूखी लाल मिर्चें जिसको मैंने एक मोटा मोटा काट लिया था। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच मिर्चों का पाउडर। फिर इसे कर लेंगे मिक्स। अब आप सोच रहे होंगे इस टाइम पे मैंने हल्दी पाउडर मिर्चों का पाउडर क्यों डाला है, तो इससे जो है वो भुर्ते का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसमें भुर्ता डालकर मिक्स करेंगे और लगा देंगे इस पर ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसे 10-15 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और चलिए रेडी है भुर्ता। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।